हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन जो है इसके बारे में इस चैप्टर को मैथ में पढ़ेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे। तो आइए इस क्षेत्रमिति की क्लास को शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि परिमाप क्या है। परिमाप क्या है, इसकी परिभाषा को देखें या समझने की दृष्टि से देखें तो कोई भी आकृति या किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग उस आकृति का परिमाप होता है। या परिमिति भी बोलते हैं, या परिमिति होता है। इंग्लिश में इसे पेरीमीटर कहते हैं, PERIMETER। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आकृति कह रहा है, तो मान लीजिए कि एक आकृति है जो कुछ इस प्रकार है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हैं। ठीक, मान लीजिए ये जो हमारा है 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है, और यह हमारा 8 सेंटीमीटर है। तब इसका परिमिति या परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप यानी कि इसके सभी भुजाओं का योग, यानी कि जोड़। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहला भुजा 8, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 4 और पांचवा 5। अब सबको जोड़ दीजिए तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 4 4 8, 10 8 18 हो जाएगा, और 18 और 8 हमारा 26 हो जाएगा। ठीक, इस तरह हमारा इस आकृति का परिमाप क्या है, 26 सेंटीमीटर। तो हमारा परिमाप जो होता है, इसे हम कभी भी जो मात्रक दिया हो, जो यूनिट दिया हो, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो मीटर, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर, तो उसी यूनिट में, उसी मात्रित में यहाँ पर लिखते हैं। अब हम किसी आकृति से अब हम वर्ग और आयत के बारे में जानते हैं। यह तो हमारा परिमाप था जी। और क्षेत्रफल क्या है, तो कोई भी जो हमारी आकृति होती है तो उसके अंदर का जो भाग होता है, जो भाग वह छेकता है, घेरता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं कि उस आकृति का वह क्षेत्रफल है। अब आइए हम वर्ग शुरू करते हैं। वर्ग जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक, तो वर्ग क्या है जी, वर्ग जो है यह एक 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात आमने सामने की चारों भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तथा प्रत्येक कोण, प्रत्येक जो कोण है वह समकोण होता है, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, और हमें इसका वर्ग का परिमाप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वहीं मान लीजिए यह भुजा ए है, यह भुजा ए है, यानी कि वर्ग है तो सभी भुजा ए है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का जोड़, अर्थात अब जिसको जोड़ देंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a, जो भी मात्रक दिया हो वह मात्रक हमारा हो जाएगा। अब हमें इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो,
क्या निकालना हो, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर भुजा ए है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल क्या है, तो ये जो हमारा वर्ग है, वर्ग के अंदर की जो जितनी भी जगह है, ठीक, और कितना जगह छेक रहा है, ये हमारा क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हम चलते हैं आयत। आयत, आयत की बात करें तो इसे हम इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, RECTANGLE। ठीक, आयत में क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और मान लीजिए यह हमारी आयत है, इसकी जो ये लंबाई है ए है, ए सेंटीमीटर है, ठीक, और जो चौड़ाई है वह बी सेंटीमीटर है, ठीक। और हम इसका परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चारों भुजाओं का जोड़, यानी कि पहले दोनों लंबाई जोड़ देते हैं तो a प्लस ए, फिर चौड़ाई जोड़ देते हैं तो b प्लस बी, अर्थात 2a प्लस 2b। अब हम यहाँ से दो को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, a प्लस बी, ठीक। तो यह क्या आ गया हमारा 2 × a, क्या है, लंबाई है, और b क्या है, चौड़ाई है। यही ना फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का, फॉर्मूला क्या हो गया, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें, आयत की क्षेत्रफल की बात करें, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है, आयत की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। इसे याद कर लेंगे सभी फॉर्मूला को। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आयत की जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, या किसी भी आकृति की जब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल की जो मात्रक होती है, जैसे परिमाप की मात्रक को केवल सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखते हैं, लेकिन जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसकी मात्रक को क्या लिखते हैं, जो भी मात्रक दिया हो उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। क्यों, तो क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर मेरा लंबाई क्या दिया है, ए सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है, बी सेंटीमीटर। जब गुना करेंगे तो ए गुना बी तो हो गया, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार हमारा यह सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि कोई एक चतुर्भुज है, ठीक, इसकी चारों भुजाएं अलग अलग है, थोड़ा चेंज करते हैं इसको, मान लीजिए यह जो है कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज है, यानी कि इसकी चार भुजाएं हैं, चारों भुजाएं का जो माप है वह अलग अलग है, मान लीजिए यह 20 सेंटीमीटर है, यह 18 सेंटीमीटर है, यह 15 सेंटीमीटर है, और यह 13 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछा जाए कि चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो क्या होगा, सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, हमारा चतुर्भुज का परिमाप हो गया। तो 20, 30, 40, 50, 58, 260, 61 और 5, 66,
सेंटीमीटर। ठीक, पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई एक आयत के आकार का कमरा है, यानी कि एक आयताकार रूम है जिसकी लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और उसकी चौड़ाई दिया है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि कमरा का परिमाप यानी कि पेरीमीटर और एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे। सीधे लिखेंगे दिया गया है कि कमरे की लंबाई बराबर 24 सेंटीमीटर। यह हो गया थोड़ा भाषा, सोचें एक भाषा बना देते हैं ताकि देख लें आप लोग की भाषा कैसे लिखते हैं। चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए कमरे का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जो हमारा कमरा है वह कैसा है, आयताकार है। ठीक, आयताकार है, तो क्या हो जाएगा, कमरे का परिमाप 2 × लंबाई क्या है 24, चौड़ाई क्या है 7, जोड़ दीजिए तो हमारा हो जाएगा 31, यानी कि गुना कर देंगे तो उसे तो 62 सेंटीमीटर। यह हमारा कमरे का परिमाप हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वहीं कमरे का क्षेत्रफल बराबर आयत है तो आयत का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है 24, चौड़ाई कितना है 7, क्या हो जाएगा हमारा 24 × 7 यानी कि 168 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग सेमी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वर्गाकार खेत का परिमाप, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा किसी वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा, यदि उसका प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। ठीक, या 20 मीटर है। तो क्या है, हमें दिया क्या है कि एक वर्ग है, वर्गाकार खेत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, दिया है कि इसकी प्रत्येक भुजा जो है वह 20 सेंटीमीटर है या 20 मीटर है। ठीक, सभी 20-20 हैं। तो हमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो वहीं लिखेंगे दिया गया है कि वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, अतः खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि 20 × 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, सॉरी क्षेत्रफल निकाल दिए, परिमाप निकालना है तथा खेत का परिमाप बराबर 2 ×
नहीं, खेत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? चार गुना भुजा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? चार गुना 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखेंगे। कह रहा है कि किसी आयत का, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है तथा उसका परिमाप, उसका परिमाप 1620 मीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो है, यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। अनुपात कहने का मतलब, मान लीजिए अगर कहीं 40 लिखा है बटे 30 लिखा है, तो यहाँ 0 से 0 कट गया, क्या आया? 4/3। अब हमें यह 40/30 पता नहीं है और अनुपात दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी संख्या से यह गुना करने पर इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आया होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह 4x और यह 3x। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ हमारा क्या दिया है, अनुपात आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:4। ठीक है ना, तो हम मान लेंगे इसको, मान लीजिए यह हमारा आयत है जिसकी लंबाई दिया है 5 यानी कि 5x और चौड़ाई 4x मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हमें और क्या दिया है, परिमाप दिया है। ठीक, तो लिखेंगे दिया गया है कि आयत का परिमाप बराबर 1620 मीटर। अब आयत की परिमाप का सूत्र या फार्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 1620, या लंबाई हमारा क्या है 5x, चौड़ाई क्या है 4x, 1620। इस तरह हम करेंगे तो ये हमारा 9x हो जाएगा, यहाँ 2 जो है गुना में है, तो इधर जाके बराबर किधर, भाग में हो जाएगा। ठीक, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, या कट जाएगा तो हो जाएगा 810, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 810/9 जो इधर गुना में है या भाग में हो जाएगा, तो कटेगा तो क्या आएगा, 90, x बराबर 90 मीटर। ठीक, आगे देखिए, अब हमें एक का मान आ गया 90 मीटर, इसको मिटा देते हैं, जगह कम हो रही है थोड़ी सी। ठीक, अब एक का मान हमारा 90 आ चुका है, तो इसलिए हमारा जो लंबाई होगा इसमें एक से गुना कर देंगे, यानी कि 5×90 यानी कि 450 मीटर,
इसी तरह जो हमारा चौड़ाई हो गया क्या हो जाएगा 360 मीटर, यानी कि 4 गुना 90। अब हमें निकालना क्या है, बस आयत की लंबाई और चौड़ाई। अगर हमें कहीं क्षेत्रफल निकालना होता है इसका, तो क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई क्या है 450 और चौड़ाई क्या है 360, बस गुना कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए हम कुछ होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जिसे आप लोग बनाएंगे। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उसका हम हल के लिए उस क्वेश्चन को बनाकर समझाकर उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिख लेंगे, तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगी। परिमाप यानी कि परिमिति या पेरीमीटर, परिमाप क्या होगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे का, एक आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए, एक आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 132 मीटर है तथा चौड़ाई 80 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसी आयत का परिमाप 100 मीटर है तथा लंबाई 40 मीटर है, तो चौड़ाई तथा क्षेत्रफल क्या होगी, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल क्या होगी। नेक्स्ट हमारा है, एक आयताकार फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारी की लंबाई 4 चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप 10 मीटर है, तो क्यारी की लंबाई 4 चौड़ाई तथा
क्षेत्रफल क्या होगी। धीरे धीरे बोल कर लिख रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग को लगे कि सेम स्कूल की तरह क्लास हो रहा है, ठीक। नहीं तो हम इसका फोटो भी डाल सकते थे बनाकर, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे लिख रहे हैं कि आप लोग को लगे कि महसूस हो कि पूरी तरह से क्लास चल रहा है। इसे मिटाते हैं, आप लोग अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस लिखते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन लिखिए, एक वर्गाकार मैदान का प्रत्येक भुजा एक सौ साठ मीटर है। यदि अमर इसके चारों ओर एक बार पैदल यात्रा करता है तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, नेक्स्ट हमारा अंतिम और छठा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दो गुनी है, तथा इसकी परिमिति, यानी कि परिमाप या पेरीमीटर, परिमिति के बराबर परिमिति वाले एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई कोमा चौड़ाई तथा क्षेत्रफल क्या होगी। आप इन सभी 6 क्वेश्चनों को बनाइएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इनको बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को बनाकर समझाकर एक वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इसको देख सकें और लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।